हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बिहार के इन 15 जिलों में लगेगा ऑक्सीजन गैस प्लांट। इस राज्य में आज लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, हाई कोर्ट में होगी सुनवाई आज। कोरोना वैक्सीन पर बोले राहुल गांधी, चर्चा बहुत हो चुकी, देश को फ्री मिले वैक्सीन, बात खत्म। 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, घर बैठे कोविन पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन। एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से बढ़ रहे ब्लड क्लॉटिंग के केस, ब्रिटिश रेगुलेटर का दावा। कोरोना संकट में भारत की मदद करेंगे गूगल के सुंदर पिचाई, किया 135 करोड़ रुपए के राहत कोष का ऐलान। जरूरी खबर, अगर आपके पास नहीं है ये 4 डिजिट का कोड तो नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस है। वहीं 2,812 लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केसेस बढ़कर 28,13,658 हो गए हैं। हालांकि कल 2,19,272 लोग ठीक भी हुए हैं। जानिए ताज़ा स्थिति कैसी है। कुल मामले 1,73,13,163, कुल मौतें 1,95,123, कुल डिस्चार्ज 1,43,04,382, कुल टीकाकरण 14,19,11,223 की डोज दी गई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का बड़ा फायदा बिहार को भी होगा। जी हां, केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक पूरे देश में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में 15 जिलों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा इजाफा होगा। एक सूचना के मुताबिक बिहार के बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्णिया, सहरसा और वैशाली जिले में लगाए जाएंगे। यूं सरकार ने ध्यान रखा है कि हर क्षेत्र को इसमें स्थान दिया जाए। यूपी में लॉकडाउन को लेकर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोरोना से प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। पिछली बार हाई कोर्ट ने प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। साथ ही पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन का विचार करने को कहा गया था। यूपी सरकार ने फैसला मानने से इनकार कर दिया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्थिति भयावह हो गई है। अब पूरे देश की नज़र 1 मई से शुरू हो रही टीकाकरण पर टिक गई है, जिसमें 18 साल से अधिक वाले लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट में लिखा, खर्चा बहुत हो चुका, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मत बनाओ भारत को BJP सिस्टम का विक्टिम। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड राज्यों को 400 रुपए प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति खुराक उपलब्ध होगा। ब्रिटेन के मेडिसिन रेगुलेटर ने कहा कि एक्स्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन में 168 मुख्य ब्लड क्लॉट की समस्या आ रही है। इस समय हर 10 लाख डोज पर ब्लड क्लॉट के 7.9 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते ब्लड क्लॉट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर कुछ हफ्ते पहले खून के थक्के जमने के दुर्लभ मामले सामने
कुछ देशों में आए थे। इसके बाद ब्रिटेन के मेडिसिन रेगुलेटर ने कहा कि ब्लड क्लॉट्स बन रही है, लेकिन कुछ खास उम्र के लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं आई सिवाय एक साइड इफेक्ट के। ये साइड इफेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमना। इसीलिए इसके बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की दूसरी डोज लगने पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने 1 मई से कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने के लिए टीकाकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार ने फैसला किया है कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा, वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन चेक करें। जब वैक्सीन लगवाने जाएं तब अपॉइंटमेंट स्लिप और फोटो आईडी साथ लेकर जाएं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते पेट्रोल और डीजल 14 पैसे व 16 पैसे सस्ता हुआ था। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.40 रुपीस जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपीस प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपीस व डीजल की कीमत 87.81 रुपीस प्रति लीटर है। इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल का दाम 90.62 रुपीस प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 83.61 रुपीस, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92.43 रुपीस और डीजल की कीमत 85.75 रुपीस प्रति लीटर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से सरकारी नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि जो भी लाभुक जन वितरण प्रणाली से अनाज लेते हैं अब अगर अनाज लेने आएंगे तो उन्हें पॉश मशीन पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। दुकान में ही आंखों का स्कैन कर उनकी पहचान कराई जाएगी और फिर उन्हें अनाज मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि अंगूठा लगाने से होने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कोरोना के चलते भारत के हालात को देखते हुए 135 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड की घोषणा की है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में भी मदद करेगी। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने अनुदान देने के लिए यूनिसेफ और गेट इंडिया को 135 करोड़ रुपए के राहत कोष का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गूगल और उनकी टीम मेडिकल सप्लाई करेंगी जिसकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए है। अगर आपके भी घर में इंडेन का रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के लिए एक तरह की खास सुविधाएं देती है। बता दें कि इस नंबर के जरिए ही आपका सिलेंडर घर पर डिलीवर होता है। इस नंबर से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। DAC का पूरा नाम डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है। जब आप सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको SMS के जरिए एक नंबर मिलता है। इस नंबर का इस्तेमाल OTP की तरह किया जाता है। जब कोई आपके घर पर सिलेंडर देने आता है तो आपको ये कोड उस व्यक्ति को बताना होता है। ये 4 डिजिट का कोड होता है। इसको ग्राहकों के फोन पर SMS के जरिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इन 10 खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।